संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से। कल तक हमने ये देखा था कि सुबह प्रातः काल, पहली बात सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना, फिर बाद में उषापान पानी पी लेना, कब कितना क्या नहीं है मैंने कल अच्छी तरह से आपको बता दिया है। और उसके बाद में और एक महत्वपूर्ण अंग आता है योगा करने के पहले कि स्नेह मर्दन। स्नेह मर्दन मतलब तेल की मालिश, कौन सा तेल काम लेना, ये क्यों करना होता है तेल की मालिश। जैसे अब सर्दी के दिन आएंगे और जब तक बने तब तक अपन को तेल की मालिश करनी चाहिए। ये तेल की मालिश क्यों करना होता है, क्योंकि रात भर हमारे शरीर में जो सुस्ती और नशे जमी हुई सिकुड़ी हुई रहती है, तो उसकी वजह से और सारा शरीर और जोड़ जाम होता है उसकी वजह से, और सर्दियों में हमारे त्वचा जो है वो फटती है, क्योंकि हमारे शरीर को ज़्यादा मांग ऑयली ऑयल की होती है। इस वजह से हमको तेल की मालिश ज़रूर करनी है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमारा बदन खुल जाता है, एक तो शरीर में गर्मी आ जाती है, जोड़ों में लाभ होता है, हमारी नसें फ्री होती है और नसों में से रक्त प्रवाह अच्छी तरह से प्रारंभ हो जाता है, और मालिश के ऊर्जा की वजह से उसके मर्दन की गर्मी जो आती है उसकी वजह से अंदर यदि बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है तो वो भी पिघल जाता है। तो ऐसे कई हमको फायदे होते हैं, तो इसलिए इन दिनों कम से कम पूरे 12 महीने नहीं, तो अब ये अक्टूबर महीना शुरू हो गया है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी और मार्च होली तक, जब तक हमको पसीने ना आ जाए तब तक ये तेल का मर्दन हमको योगा के पहले तेल की मालिश अवश्य करनी चाहिए। तेल कौन सा काम में ले, तो इसमें सर्वोत्कृष्ट तीन तेल होते हैं, जहाँ जो आसानी से उपलब्ध हो उस तेल का हमको काम लेना है। एक तो सरसों का तेल, दूसरा तिल का तेल और तीसरा नारियल का तेल। सरसों का तेल तिक्त स्वभाव का होता है, उसकी वजह से हमारे शरीर पे या चमड़ी मतलब त्वचा पे कोई किसी तरह से चर्म रोग हो तो उसे भी दुरुस्त होने में मदद मिल जाती है, साथ साथ में हमको ऊर्जा भी मिल जाती है। तो ये तिक्त स्वभाव का तेल है। जैसे हम देखेंगे कि सरसों का तेल आँखों के पास में लग जाए तो उस आँखों में मतलब आंसू से आने लग जाते हैं, तो ये तिक्त प्रकृति का तेल है। इसलिए हमारे चर्म रोगों के जितने जीवाणु हमारे शरीर पे यदि दिन भर रखे हुए तो वो सारे सारे मतलब निकल जाते हैं। दूसरा तेल तिल का तेल, सर्दियों में और बच्चों के लिए और जिनके हड्डियाँ कमज़ोर है उनके लिए तिल का तेल बहुत अच्छा होता है। ये उष्ण प्रकृति का तेल होता है तिल का तेल, और इसलिए सर्दियों में हमको ज़्यादा सर्दी लगती है तो हम यदि तिल के तेल का मालिश करते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में जो सुबह उठ करके सर्दी लगने का या ठंड लगने का प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाता है, और हमारे शरीर पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो ये तिल के तेल का फ़ायदा है, और ये दोनों ही तेल उपलब्ध नहीं होते। जैसे समुद्र के किनारे पर जो राज्य बसे हुए हैं वहाँ पे यदि ये दोनों तेल उपलब्ध नहीं होते तो नारियल का तेल अच्छा विकल्प है। नारियल का तेल भी त्वचा रोग को दूर करने के लिए मददगार होता है, ठंडा होता है। जैसे त्वचा कहीं जल जाती है, कट जाती है, वहाँ भी हम नारियल का तेल लगा सकते हैं। तो ये तीन तेल जो है तेल मर्दन के लिए या तेल की मालिश शरीर की मालिश के लिए उपयुक्त है। शरीर की मालिश करें कैसे, कई लोग क्या करते हैं शरीर की मालिश ऐसे उल्टा सीधा करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। पहले तेल अपने हाथ पे लेना, उसको फैला लेना और फिर शरीर की मालिश हमको ऐसे करना है, ऐसे उल्टा नहीं करना हमेशा, और पूरे शरीर की मालिश करें और दो बूंद हमारे नाक में भी छोड़े और तेल की दो बूंद जो है हमारे नाभि में छोड़ करके उसको उंगली डाल करके घुमाएं, तो इसके हमको जुखाम वगैरह से हम दूर रहेंगे। और साथ ही साथ में जब हम बाहर निकलेंगे नहा धो करके तो बाहर के जर्म जो है हमारे नाक के माध्यम से विषाणु अंदर नहीं जाएंगे, वहीं चिपक करके रह जाएंगे। तो एक तरह से ये प्रतिरोध करता है
और नाभि में तेल लगाने से बहुत कुछ फायदे हैं। इससे हमारे पाचन तंत्र में भी फायदा होता है, हमारे पैरों में जो एड़ियाँ फटती है सर्दी के दिनों में उसमें भी बहुत फायदा होता है। तो तीन बातें, सबसे पहले सूर्योदय के पहले उठना, उसके बाद में भगवान का नाम स्मरण करना, उसके बाद में अपने कॉट पे जगह हो तो वहाँ पे, नहीं तो अपने ड्राइंग रूम में आकर के खिड़की खोल करके नटराजासन और मकरासन वानरासन करना, और उसके बाद में सुबह का पानी पीना, उषपान जिसे कहते हैं, और उषपान करने के बाद में फ्रेश होकर के मंजन करके हमको तेल की मालिश अवश्य करनी है। सर्दियों के 4-5 महीने तो जरूर जरूर करनी है, उससे हमारे सारे जोड़ खुल जाते हैं, नसें खुल जाती है, रक्त प्रवाह ठीक हो जाता है, और शरीर के त्वचा के ऊपर कोई विकार हो तो उसको भी दूर होने में मदद मिल जाती है। ये हमारे मतलब उस योगा करने, खाली योगा करना है इसलिए कैसे भी करो और कैसे भी जाओ ऐसी बात नहीं, फंडामेंटल देखो, जिस बिल्डिंग का नींव मजबूत होता है उस बिल्डिंग की उम्र उतनी ज़्यादा होती है। तो हम यूँ सीधा जाकर के योगा करें ऐसा नहीं करना, बल्कि ये सारी चीज़ें, उसकी प्रारंभिक चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। 2-2, 5-5 मिनट हर एक चीज़ में लगेंगे, और उसके बाद में तेल मर्दन करने के बाद में हम योगा करने चले जाए तो योगा करने के लिए कपड़े कैसे पहने, हमेशा खुले वस्त्र हो, कभी भी टेरिलिन का वस्त्र नहीं हो जो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ऐसा कपड़ा कभी भी काम में नहीं लेना है। हमेशा सूती कपड़े होने चाहिए, खुले कपड़े होने चाहिए, चाहे आप फुल ट्राउज़र पहन लीजिए, चाहे आप मतलब फुल इसका सर्दी के दिनों में टी शर्ट पहन जाइए, मगर कपड़े खुले हो और सूती हो, जिससे हमारे सूती इस वजह से कि शरीर में योगा करते वक्त जितना पसीना आता है तो वो पसीना सोख लेता है। फिर कपड़े वपड़े पहन करके, या हम हमारे शूज़ या मतलब चप्पल पहन करके हम बाहर जाए, योगा मैट साथ में ले ले, और बाहर खुले में आकर के जहाँ तक संभव हो, हमारे आसपास सोसाइटी के पास में कहीं खुली जगह हो तो योगा कभी भी प्रकृति के सानिध्य में ही करना जरूरी है, करना चाहिए। कब करें, उसका समय कैसा निर्धारण करें, समय ऐसा निर्धारण करें योगा का कि थोड़ा सा, यदि हम 1 घंटा करते हैं, 20 मिनट करते हैं उस हिसाब से, क्योंकि कहा गया है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी बहुत कम खाद्य पदार्थों से मिलता है, विटामिन डी सबसे ज़्यादा सूर्य प्रकाश से हमको उपलब्ध होता है। तो योगा का टाइम जितना भी आपको, और हर रोज कम से कम 20 मिनट सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ना चाहिए। इस हिसाब से हमारे योगा का टाइम ऐसा सेट करें कि थोड़ा तो हम सूर्योदय से पहले और कम से कम 15 से 20 मिनट सूर्योदय के बाद में हमारे शरीर पर, जो खुले शरीर पर सूर्य प्रकाश पड़े, तो इस तरह से एडजस्ट करें तो आम के आम गुठलियों के दाम, योगा भी होगा और साथ साथ सुबह का कोमल सूर्य प्रकाश मिलेगा, तो उसके माध्यम से हमको विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। तो मैट कैसा होना चाहिए योगा करने के लिए, मैट नर्म हो, सख्त न हो, या तो हम मतलब आजकल प्लास्टिक के मैट आ रहे हैं वो नरम काम ले सकते हैं, या खादी ग्रामोद्योग का सूती मैट जो होता है वो भी हम काम में ले सकते हैं। ये योगा के पूर्व ध्यान में रखने वाली बातें। एक बात और बता करके मैं आपको आज की बात को समाप्त करना चाहूँगा। एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि योगा के पूर्व, योगा कभी भी हमको फ़ायदा जब करेगा कि जब हम अपने सांसों को नियंत्रित करेंगे, सारा खेल इस, हमको यदि उससे दुगुना लाभ चाहिए तो हमको अपने सांसों का तारतम्य बनाए रखना है। कभी भी कोई आसन हम लगाते हैं तो सांस 3 प्रकार के होते हैं, प्राणायाम में भी इसका बात बता देंगे, सांस हमारी 3 प्रकार, श्वासोश्वास 3 प्रकार का होता है, 1 पूरक, 2 कुंभक और 3रा रेचक। रेचक मतलब सांस बाहर छोड़ना, पूरक मतलब सांस लेना, और कुंभक मतलब सांस को रोक के रखना। कभी भी कोई आसन हम लगाते हैं तो आसन लगाते वक्त हमको आसन लगाने से पहले रेचक करना है,
रेचक मतलब पूरी सांस बाहर निकालने, पेट खाली करना है। और बाद में रेचक के बाद में हम आसन करेंगे, आसन लगाएंगे, और जब आसन छोड़ेंगे, हर एक आसन आसन का मिनिमम टाइम 30 सेकंड होना चाहिए। आगे आपके पास जितना समय हो इसी तरह से कर सकते हो। और जब हम आसन छोड़ करके पूर्व स्थिति में आसन जब हम लगाएंगे, तब कुंभक करना है, मतलब सांस को रोके रखना है। और फिर जब आसन छोड़ करके पूर्व स्थिति में आएंगे, तब रेचक करना है। तो ये तीन है, जब हम आसन शुरू करेंगे तब इन तीनों का परिचय मैं आपको करा दूंगा। आज इतनी ही बातों का ध्यान रखें, क्रम क्रम से हम, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि बहुत कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत योगा के चैनल चल रहे हैं, मगर इतना विश्वास जरूर आपको देना चाहता हूँ कि नियमित रूप से आप इसके साथ में जुड़े रहेंगे, क्योंकि 30-35 साल हो गए मुझे, चाहे कैसी भी प्रतिकूलता हो, चाहे कैसी भी मुश्किल हो, मैंने इसको बरकरार रखा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको स्वयं के अनुभव से बताना चाहूँगा कि 30-35 साल में गंभीर बीमारी के कारण मुझे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा। सर्दी जुखाम मौसम के हिसाब से थोड़े बहुत होते हैं, तो वो थोड़ी बहुत दवा लेते हैं तो उससे ठीक हो जाते, मगर गंभीर बीमारी की वजह से कभी भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। ये आपके जीवन में सबसे बड़ा फायदा होगा। तो एक सूत्र आज करो योगा और भगाओ रोगा और रहो मस्त। धन्यवाद।